खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में एक बड़ा धमाका करने वाली है और दोस्तों अब ये फिल्म और भी बड़ा विस्फोट करते दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, 2.0 के आने से कई फिल्मों की रिलीज डेट चेंज हो गई है और इसके कारण अब आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान को मिल गया है 22 दिनों तक सिनेमा घरों में राज करने का मौका। जैसा कि दोस्तों 29 नवंबर को आ रही है 2.0 और 7 नवंबर को आ रही है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और दोस्तों इस बीच कोई भी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो ऐसे में 22 दिनों तक सिनेमाघरों में थग्स ऑफ हिंदुस्तान का राज रहेगा। तो यहाँ जाहिर है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान इन 22 दिनों में जमकर कलेक्शन करेगी। साथ ही क्योंकि थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 की सबसे बड़ी बॉलीवुड मूवी है, तो ऐसे में इस फिल्म को देखना तो हर कोई चाहेगा ही। साथ ही नवंबर के महीने में आपको भारत की सबसे बड़ी मूवी 2.0 भी देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसे में नवंबर का महीना मूवी लवर्स के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। वही दोस्तों थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा खर्च किया गया है। दोस्तों अब लग रहा है कि आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2.0 को बराबर की टक्कर देगी। अब देखना होगा कि इन दोनों फिल्मों में से कौन जीतती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आमिर खान की फिल्में बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2018 की सबसे बड़ी मूवी कौन सी होगी, थग्स ऑफ हिंदुस्तान या 2.0? साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।